बॉलीवुड के स्टार संजय दत्त पुणे की यरोदा जेल से रिहा हो चुके हैं और देखिए किस अंदाज में संजू ने जेल को अलविदा कहा। पुणे के बाद संजय दत्त मुंबई आकर सबसे पहले सिद्धि विनायक मंदिर गए और वहां बप्पा के दर्शन किए। मंदिर से निकलने के बाद संजय दत्त अपनी मां नरगिस दत्त की कब्र पर गए और कुछ वक्त वहां बिताया और फिर संजू बाबा मुंबई के पाले हिल स्थित अपने घर पहुंचे और उनके प्रशंसकों ने इस अंदाज में स्वागत किया। और इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए संजय दत्त ने जेल में गुजारे हुए पलों को याद किया। ये कह रहा हूँ कि 23 साल जिसके लिए मैं तरस रहा था वो आज़ादी है, उसके लिए मैंने हर चीज़ की और वो दिन आज आ गया है आज़ादी का। और वो जो फीलिंग है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई रजे पे आया हूँ, कोई फर्लो पे या पेरोल पे। और मुझे पता है थोड़ा वक्त लगेगा मुझे ये अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि मैं आज़ाद हो गया हूँ। और आज का दिन ऐसा है कि मैं अपने पिताजी की याद बहुत आ रही है मुझे। रिहा होने से पहले क्या संजय दत्त को नींद आ रही थी, इसके बारे में भी उन्होंने हमें बताया। कल रात को मैं सोया नहीं, ना मैंने 4 दिन से कुछ खाना भी खाया है। क्या बात है। और यही सोच के कि मैं ये गेट से बाहर जाऊंगा और मेरी फैमिली के साथ फिर जुड़ूंगा और हमेशा के लिए मैं वापस कभी नहीं आऊँगा, तो वो फीलिंग, वो एंग्जाइटी एक ऐसी चीज़ है जहाँ आई थिंक हर कैदी को ऐसा होता है। जेल से वापस आने के बाद अब क्या करने वाले हैं संजू बाबा, इसका जिक्र भी उन्होंने किया। There are two things I'm looking forward to. One is spending a lot of time with my family and my kids, and most of all is my work actually. Well, Arms Act के तहत सजा काटने के बाद संजय दत्त अब बिल्कुल फ्री हो चुके हैं एंड खबरों के मुताबिक वो जल्द ही फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। हम तो बस यही कहना चाहेंगे, वेलकम बैक संजू बाबा।